कहाँ है? आपका नाम बताने पर भी नहीं सुन रहा, अंदर ही है सर। ए, कौन हो तुम लोग? Don't worry, sir. तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, उत्तम संयोग है। श्री, आज के दिन वो जो भी कार्य करेंगे उसमें उन्हें वो अभी तक सो के नहीं उठा है। ओके आंटी। हेलो भाभी, मैं बोल रही हूँ। दीदी कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप क्या कर रही हैं? और क्या करूँगी, श्री के पापा खेत पर गए हुए हैं और मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ। श्री भी साथ गया है? वो खेत पर यही पड़ा है, रात भर घूमता रहता है और दिन भर सोता है। उसे फोन दीजिए। हाँ देती हूँ। बेटा श्री, श्री फोन। बुआ का फोन। बोल तो मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर गया हूँ। मैं बोल चुकी हूँ कि घर पर है, बात करना। हेलो बुआ जी, कैसी हैं आप? श्री नाम का मेरा एक भतीजा है, उसने कहा था मेरे यूएस जाने से पहले वो मुझे सी ऑफ करने आएगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो क्या है बुआ जी, यहाँ एक अर्जेंट काम आ गया था। हा? कैसा काम रे? रात भर लफंगों के साथ घूमना यही है ना तेरा काम? सिर्फ सपने देखने वाला दिन में सोता है, मेहनत करने वाला रात में सोता है। और तू है कि दिन रात? आप तो मेरे बारे में सब जानती हैं बुआ जी। जानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तुम गांव में ही रहकर खेती करोगे या हैदराबाद जाकर नौकरी करोगे? हैदराबाद में? वहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं बुआ जी। हम कहीं पर भी जाएं हमें जान पहचान बनानी पड़ती है। अच्छा तो मेरी बात सुन, हैदराबाद में अपना फ्लैट खाली पड़ा है, पैसे की जरूरत हो तो मुझे फोन करना और कोई हेल्प चाहिए तो अपने फूफा जी को फोन करना। सब हैदराबाद से यहाँ रहे और आप मुझे हैदराबाद भेज रही हैं? ऐसी कहानियाँ अपने माँ बाप को सुनाना, घर की चाबियाँ वॉचमैन राम बाबू के पास हैं, पहुँचकर फोन करना, बाय। कितना टॉर्चर करती है, तुम ही बात कर लेती ना माँ। देख बेटा, काम तलाशने वालों की लोग मदद करते हैं, काम करने वाले की इज्जत करते हैं और तेरी तरह बेकार बैठने वालों से लोग चिढ़ते हैं। मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती बेटा, अब तुझे जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। Yes! ये क्या यार, वैसे तो मिनी बियर के भी पैसे लेता था और आज देखो ऐसे बारिश कर रहा है बियर के। फेयरवेल क्यों मनाते हैं? कॉलेज छोड़ते हैं ना इसलिए। बैचलर पार्टी क्यों मनाते हैं? बैचलर लाइफ को छोड़ने के लिए। और सेंड ऑफ पार्टी क्यों? किसी को टाटा बाय बाय कहने के लिए। तो मैं भी इस गांव को टाटा बाय बाय बोल रहा हूँ। मतलब
अरे हैदराबाद जा रहा हूँ। यानी तुझे हैदराबाद में जॉब मिल गया? नहीं, अमेरिका से ऑर्डर आया है। बिजनेस ऑर्डर है? बिजनेस ऑर्डर उसमें कस्टमर्स के लिए कितना काम करना पड़ता है, मेरा फंडा क्लियर है। ये लाइफ है ना, ऐश करने के लिए है। कहना क्या चाहता है? हाँ, एक बात सुन। जमीन पर घास उगती है, घास को बकरी खाती है और उस बकरी को खाता है इंसान, तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। आजकल लड़कियां हम लड़कों से कुछ ज्यादा ही कमा रही हैं। ऐसे ही एक सुंदर और बहुत कमाने वाली लड़की को पटाकर लाइफ टाइम फुल ऐश करना है बस। अब मर्द है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर हम लोग आज से मेहनत करें तो किस एज में करोड़पति बन पाएंगे? 40+। और अभी हमारी एज क्या है? 20+। मतलब हम अपनी लाइफ के 20 ईयर्स वेस्ट कर देंगे यार। लेकिन अगर किसी अमीर बाप की लड़की हमारी लाइफ में आ गई तो क्या होगा सोचो? अरे 20 साल वाला काम 1 साल के अंदर ही सेट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर तुम्हारे पास लड़कियों को बनाने की कला हो ना तो 20 साल तक चप्पल घिसने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया। सर 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 सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम बाबू, कैसे हो सर? ठीक हूँ। 1000 रुपए दीजिए ना। मेरे पास तो नहीं है। देखिए, आप अपनी बीवी के साथ कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, मैं पूछूंगा नहीं। लेकिन रात को 9 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। पर क्यों? क्योंकि गेट को ताला लगा देता हूँ। तो फिर हम लोग गेट कूद कर आइए। पागल है? तो 1000 रुपए तो दे सकते हैं ना मैडम। आप तो कम ए, रुक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 100 रुपए दे। क्यों दूं? अरे क्यों, क्या पूछता है बार बार? तू रोज वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करता है ना, वहाँ नहीं करने का, दूसरी जगह करने का। चल निकाल। अरे सुनो सुनो, टाइम बर्बाद। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 10 रुपए दो। अरे इतने अच्छे से पूछ रहा हूँ, कुछ तो बोल के जा सकता है ना। तेरी तो क्या बे? अपार्टमेंट के सारे लोगों को बिना धोए इस्त्री करके कपड़े देता है क्या? धोकर साफ करके इस्त्री करके दूंगा तो क्या उनके पैसे डॉलर में बदल जाएंगे? बाप रे। ठीक है, लेकिन जोड़ी के कितने लेता है? 1 जोड़ी के 20 रुपए लेता हूं। बस इतने ही? छी, इस तरह रगड़ के बड़ा आदमी नहीं बन सकता तू। 30 रुपए लिया कर। अरे वाह, आप तो साक्षात भगवान के रूप है। अच्छा, तो ऊपर के 10 मेरे। ये तो इंसान के रूप में शैतान निकला। हाय हाय, क्या चीज है तू? चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। राम बाबू। ए राम बाबू। अबे कौन है जो मेरा नाम ले रहा है? सर 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 सर, गुड मॉर्निंग सर। सर 100 रुपए दीजिए। आजकल तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही। मेरी शिकायत कौन करने वाला पैदा हो गया? कुछ किया होगा? उसने शायद पी रखी होगी। एक्स्ट्रा काम करने पर पैसे नहीं मांगूंगा। क्या? हाँ जी, एक्स्ट्रा काम की एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बताइए, काम हुआ करूंगा, पेमेंट आपसे लूंगा। क्या पक रहा है? तुम राम बाबू हो ना? मेरा नाम श्री है, सीता मैडम का भतीजा हूँ। भतीजा? तुम्हारा ही इंतजार था भाई, तुम्हारा ही इंतजार था। एक मिनट, ये पकड़ो चाबियों का गुच्छा। लगता है बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी तो बहुत है। क्या करूँ भाई, क्या करूँ? यहाँ सब लोग डिपेंडेंट है, मैं अकेला ही इंडिपेंडेंट हूँ। आधार कार्ड की तरह सब मुझ पर ही आधारित है। अगर मैं आधा घंटा भी रेस्ट ले लूँ तो पूरा अपार्टमेंट हिल जाता है। राम बाबू, आपका नेचर मुझे बहुत पसंद है। शाम को मिलिए, साथ में एनर्जी ड्रिंक पिएंगे, क्या कहते हो? एनर्जी ड्रिंक? ओके ओके सर। सर, मैं इस तरह पहली बार पी रहा हूँ। तो फिर कैसे पीते हो? ऐसे पीता हूँ, ऐसे पीने में कुछ और ही मजा आता है। अच्छा राम बाबू। हाँ बोलो ना। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसलिए तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हो? यू आर सो क्यूट राम बाबू। तो राम बाबू को क्या समझाया आपने? सवाल से पहले जवाब और काम से पहले पेमेंट लेने वाला है राम बाबू। यहाँ के बारे में कुछ और बताइए। इस अपार्टमेंट की लड़कियों की डिटेल्स चाहिए ना आपको? मामूली लड़की के बारे में मुझे नहीं जानना है। तो फिर कोई रिच लड़की हो तो बताओ। मुझे क्या मिलेगा? अद्धा प्लस अद्धा एक फुल। अच्छा, पक्का मिलेगा ना? तो फिर ठीक है।
बताता हूँ सुनो, इस अपार्टमेंट में फ्लोर है 5, फैमिली है 25, उनमें लड़कियां हैं 15, अच्छा। चिकनी है 14, सिर्फ एक ही है जो सबसे सुंदर और अमीर है। बस, मुझे वही चाहिए। बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती है, मिस वर्ल्ड की तरह कैटवॉक करती है, हाथ हिलाने पर 1000 के नोट निकलते हैं। जो भी लड़का उसे शादी करेगा ना, वो एकदम राजा की तरह राज करेगा। हमेशा कैश देने वाली चलती फिरती एटीएम मशीन है वो। मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे उसी की डिटेल्स चाहिए। वही लड़की चाहिए, ठीक है, मिल जाएगी। राम बाबू, उसका बैकग्राउंड क्या है यार? भाड़े पे जाती है, वही कार में। क्या बात है यार, रोज कार में घूम सकते हैं? हाँ घूम लेना यार। तो मिलाओगे कब उससे? अरे कल सुबह ही। कल सुबह? सुबह सुबह ही तो आती है ना। क्या बात है यार। इसको तो किसी भी तरह सेट करना होगा, वरना बकरा हाथ से निकल गया तो। अब सर क्या सोच रहे हैं? अब और कितनी देर राम बाबू? 1 घंटा तो हो गया। ऑर्डर करते ही आने के लिए वो कोई कॉफी थोड़ी ना है, कॉस्टली कह के वेट करना पड़ेगा। बार बार प्रेस कर रहा है, लिफ्ट में जाना चाहता है। और क्या? मैंने लिफ्ट भेज दिया, अब चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से पागल कहीं का भिखारी, चल भाग। अरे देखो देखो मैडम की गाड़ी आ गई, देखो देखो। चलो अब जल्दी से 1000 रुपए निकालो। अभी तो दिए थे ना। अरे समझा करो, उनके सामने आपकी तारीफ करनी है तो पैसे लगेंगे ही ना। हर बात में तुम्हें रिश्वत ही चाहिए ना। जी कहीं का। चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग राम बाबू। कहाँ गया? सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग राम बाबू, ठीक तो हो ना? एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा पीछे से आया। सर आपने बोला था ना स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे देंगे। दीजिए सर। मैंने बोला था ऐसा? अच्छा भूल गए? बोला था तो ले लो। अरे लक्ष्मी देवी, थैंक यू सर। मैडम अपने सर 620 में रहते हैं। हाय सर, ये कामिनी जी है 420, 420 में रहती है। लिफ्ट आ गई सर। चलिए मैडम आइए, चलिए सर। फोन करूंगा। कोई बात नहीं, आराम से जाइए। दबा दो दबा दो, ऊपर 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 जाइए। कुछ तो मिला। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जॉबलेस हूँ लेकिन कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। रुकिए मैं वॉचमैन को फोन करता हूँ। राम बाबू लिफ्ट बीच में ही रुक गई है। हाँ आ रहा है वो। वैसे आप लड़कों के बारे में क्या सोचती हैं? आप बहुत घबरा गई थी। सुख लेने वाले या सुख देने वाले? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? इसमें समझना क्या? सुख देने वाला अपनी बीवी को खुश रखता है, सुख लेने वाला खुद की खुशी देखता है। क्या बात है। किसी ने इस लाइन को इतनी क्यूटली नहीं कहा आज तक। थैंक यू। आप तो इन सब चीजों में बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। तो किस तरह का हस्बैंड चाहिए आपको? मुझे खुश रखे और मेरी कमाई पर ऐश करता रहे, और क्या। सही लड़की है यार। वैसे राम बाबू अभी तक आया नहीं। जस्ट अ सेकंड। हे राम बाबू कहो यार। थैंक गॉड। प्लीज क्लोज द डोर। एक्सक्यूज मी, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यू आर सो क्यूट। थैंक्स मॉम। आज तक मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे ऐसा कहा, लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया, पर आपकी बात सच लग रही है। कृपया दरवाजा बंद कीजिए। प्लीज क्लोज द डोर।
क्या हुआ श्री? मुझे ऊपर बुलाकर ऐसे क्यों घूम रहे हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात शेयर करनी थी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं है। क्या तुम मुझसे आई लव यू कहना चाहते हो? यही तुम्हें कहना चाहता था, तुम बहुत अच्छी हो। एक प्रेमिका की तरह अपने प्रेमी के दिल में क्या है मैं समझ सकती हूँ। Are you sure? Yes. I'm so lucky. Lucky तुम नहीं, lucky तो मैं हूँ। मुझे इतने दिनों से तुम्हारे जैसे का ही इंतजार था। वैसे मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है ना? ऐसा मत समझना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम बहुत अच्छी बिजनेस वुमन भी हो। तो फिर हम दोनों भाग कर शादी कर लें? अरे भागना किस बात का, तुम्हारी जैसी बिजनेस वुमन से शादी होगी तो मेरे घर वाले ही नहीं पूरा गाँव खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन कंपनी के रूल्स के मुताबिक मैं अभी शादी नहीं कर सकती। कंपनी और शादी का क्या संबंध है? शादी के बाद बिजनेस नहीं कर सकते ना? शादी के बाद भी बिजनेस कर सकती हो। वैसे अपने बिजनेस का टर्नओवर कितना है? कस्टमर्स अच्छे मिले तो महीने के 9 to 10 lakhs। मतलब कि कार रेंटिंग में इतना पैसा है? मुझसे लोग कार रेंट पर नहीं ले जाते, जरूरतमंद लोग मुझे ही कार में लेकर जाते हैं। जरूरतमंद लोग तुम्हें कार में लेकर जाते हैं? मतलब मैं पारो से प्यार नहीं कर रहा था, चंद्रमुखी से कर रहा था। अबे राम बाबू, कहाँ फंसा दिया तूने यार? दादा, लगता है राम बाबू को किसी ने मारा है, ये रो रहा है। किसने मारा, कौन मार सकता है राम बाबू को? मैं रोता नहीं हूँ, रुलाता हूँ, समझा? रो नहीं रहा होगा तो फिर सो रहा होगा। अरे नहीं साहब, बाई आँख फड़फड़ा रही है। तो संभल कर रहना। नहीं तो क्या होगा? अरे पूरी बात तो बता के जाओ। अरे पागल कहीं का। ये क्या है, मुझे देखकर आंखें क्यों मसल रहे हो? ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया तुमने? तुम्हारा मनहूस चेहरा मेरी आंखों को तकलीफ दे रहा है इसलिए मसल रहा हूँ। अब जाओ यहाँ से, पहले ही बाई आंख फड़क रही है। आंख फड़क रही है तो जरूर तेरा कुछ बुरा होने वाला है, देख लेना। क्या? अरे ओ पंडित, सुबह सुबह अच्छा खासा मूड खराब करके चले गए मेरा। अब तक कोई बकरा नहीं मिला, इस टेंशन को मैं सह नहीं सकता, अब तो पीना ही होगा। लगाओ रे दो पैग। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। सर टेबल कहाँ है? सर मेरे हाथ फ्री रहे इसलिए मैंने टेबल हटा दिया। आज की दारू की पार्टी का पर्पस क्या है सर? दारू की पार्टी के लिए दारू के अलावा और क्या पर्पस हो सकता है? एकदम सही बोले सर। है ना? सर मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या है? पेग मारने के बाद ना मेरी टंग स्लीप होती है, आप बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, एंजॉय। सर आपकी स्कीम में समझ गया सर, उस दिन फुल बोतल पी गया था इसलिए आज दो बोतल लेकर आए हो ना। बहुत अच्छा किया। सर आप महान है सर, आप तो किंग हो सर, बिल्कुल रॉयल हो सर। क्या सर, आपकी इतनी तारीफ करने के बाद भी आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है? वो अभी पता चल जाएगा राम बाबू। अभी क्या पता चलने वाला है? ओहो लगता है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सर मुझे नींद आ रही है, मैं जाकर सोता हूँ। क्या हुआ सर? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो बिना पर्पस के तुम्हें पार्टी दूंगा? हाँ एक बात पूछूं, जवाब दोगे क्या? एक क्या सर, 100 बात पूछिए, मैं फट से जवाब दूंगा। पूछिए सर। ये क्या? सवाल के पहले जवाब, काम से पहले पेमेंट लेता है, यही बोला था ना? ओ तो ये बात है। वैसे भी सर कुछ समझ में आया नहीं मुझे। बिना वाटर का क्वार्टर पीकर मैटर समझ में नहीं आ रहा है तुझे? अब आया समझ में? बस सर बस, आपके मारने से मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में मैं बहुत ज्यादा पिटने वाला हूँ आपसे। मैं पैर पड़ता हूँ सर, बताइए क्यों मार रहे हैं मुझे? बिना वजह मत मारिए सर। मुझसे क्या गलती हुई है बताइए ना सर। धीरे धीरे तुझे सब समझ में आ जाएगा बेटा। मेरे पास एक और ऑफर भी है, बताऊं? मुझसे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है तू? सर ये क्या कर रहे हैं सर? आपके मारने से मैंने जितनी पी थी वो सब नीचे से निकल के पैंट गीली हो गई। मुझे एक मिनट दो में पैंट सुखा के आता हूँ, जाने दीजिए ना सर। अरे क्या हूँ कर रहे हो, जाने दो ना। ओहो अभी अभी तो आप अच्छे थे, अचानक आपको रोना कहाँ से आ गया? दुनिया वाले आपको पागल समझेंगे। अरे बताइए ना सर मैंने कौन सा अन्याय किया है? अन्याय नहीं, घोर पाप किया, घोर पाप, धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया तुमने। अच्छा जाने अनजाने में मैंने इसको फंसा डाला। अब
मैं अपना घर बसाना चाहता था, तेरी वजह से टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, मेरे सारे कपड़े वेस्ट हो गए, मेरे सारे ड्रीम्स को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया तूने। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं जान से मारता हूँ। अरे बच्चा थक गया, भागते। अरे ये तो कोई मॉडल लगती है, अभी पढ़ाता हूं इसे। जानू आज मेरी नाइट शिफ्ट है जानू, हम दोपहर में ही मिले। हाँ? मुझे टच मत करो। शादी करने वाले को टच करने में क्या बुराई है? हाँ, तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल है ना। शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे जानू? हनीमून तो तुम रोज ही मनाती हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तेरा हुस्न है जलता शोला। अब गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग राम बाबू। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। मेरी किस्मत ही खराब होगी, मुझे राम बाबू की बातें माननी ही नहीं चाहिए। क्या हुआ जानू? ऐसे प्रेस मत कीजिए, लिफ्ट खराब हो जाएगी। आ रही है हाँ, देखिए आ गई। हाँ स्टॉप। हेलो व्हाट इज दिस? बाय मेरे जानू। हजार मिल गए। वाह, दिस इज माय शर्ट। ये लीजिए। थैंक यू जी, आप बहुत अच्छी हैं। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ शर्ट दी है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ये मेरा लकी शर्ट है तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जरा हटेंगे? हाँ बिल्कुल, आइए ना। वैसे मैं अपनी हेल्प करने वाली लड़की का नाम जान सकता हूँ क्या? स्टूपिड है, स्टूपिड क्यों? हेलो, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अरे वाह, ये तो मेरी पड़ोसन है। तुझे देखा तो ये जाना सना। राम बाबू, ए राम बाबू, होता है दीवाना। ए राम बाबू सनम। अबे राम बाबू, वही रुक, अब यहाँ से हिलना मत वरना जान से मार दूंगा। क्या हुआ? क्या हाल है राम बाबू? शाम को मिलकर पार्टी करेंगे सर। रात में आपके कारनामे देखकर शराब पीना मना है, ऐसा मैंने खुद के लिए कानून बना लिया है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे दो काम करने पड़ेंगे। कौन से काम? पहला, जिसने शर्ट दिया उसका मुझे फुल डिटेल चाहिए, और दूसरा उस चंद्रमुखी को इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दो। देखो सर, शर्ट वाली के फुल डिटेल्स तो पता कर लूंगा, लेकिन उस पारो को इस बिल्डिंग से, उस चंद्रमुखी को मैं इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकाल सकता। पर क्यों यार? अरे भाई तुम क्यों क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बताऊं? अपने अपार्टमेंट में कामिनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और तो और इस बिल्डिंग में कामिनी के बहुत सारे खबरी भी हैं, इसलिए हम उसको टच भी नहीं कर सकते। छोड़ दो बात को राम बाबू, हमें उसे इस बिल्डिंग से निकालना ही होगा। राम बाबू बताओ हमारा मकसद क्या है? कामिनी से पूछ कर मालूम करते सर। यार तुम मुझसे कितना मार खाओगे यार? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, दर्द नहीं होता। दर्द नहीं हो रहा ना? ये डंडा देना जरा। ये लो। हाँ
हेलो। हाय, नमस्कार मैडम। कौन है? मैं आपका फैन हूँ। व्हाट? रॉन्ग नंबर। आप काव्या ही है ना? हाँ, तो आप बहुत ग्रेट हैं जी। बिना जान पहचान के शर्ट उठा कर दिया आपने। आजकल की दुनिया में इतने भले लोग मिलते कहाँ हैं? थैंक्स। हेलो। अनंतपुर से थैंक्स कहने के लिए आपका फैन बोल रहा हूँ। किस लिए? शर्ट देने के लिए थैंक्स। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? हमारे किसी भी काम से आपको थैंक्स बोलना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कॉल किया। तो एड्रेस बताती हूँ, हैदराबाद आकर थैंक्स बोल लो। स्टूपिड। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई और बीच में फोन काट दिया। अभी बताता हूँ। हेलो। हैदराबाद से आपका प्रशंसक बात कर रहा हूँ। शर्ट देने के लिए थैंक्स मैडम। ए, तुम पागल हो क्या? कस्टमर केयर वाले भी इतना टॉर्चर नहीं करते। अगर एक और बार कॉल किया ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। छठे फ्लोर से गिरी हुई शर्ट को सही सलामत लौटाने वाली काव्या जी का हार्दिक अभिनंदन। काव्या जी को मेरा धन्यवाद। मेरी शर्ट लौटाकर आपने साबित कर दिया कि आप कितनी अच्छी हो। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? स्टूपिड। काव्या जी को मेरा धन्यवाद। मेरा शर्ट लौटाकर आपने साबित कर दिया कि आप बहुत अच्छी हो। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? सर, आपने जो पैसे दिए तो फ्लैक्स और कटआउट पे खर्च हो गए। केबल टीवी पर ऐड देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। निकालिए पैसे। ए, जी, 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 जी। वहाँ लड़की मेरा वेट करी यार, तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे हाँ, बंद कर रहा हूँ, चुपचाप बैठ। जब तक बंद नहीं करूँगा तब तक चिल्लाती रहेगी। क्या है ये? अबे, हाय काव्या, गुड मॉर्निंग। आर यू मैड? इतनी छोटी बात के लिए इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? तुम्हारे लिए वो छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो वो। आई नो वॉट यू ट्राइंग टू डू। अब ये सब बंद करोगे या नहीं? पसंद नहीं आया क्या? आई हेट इट। ओए राम बाबू। दीदी भूख लगी है, 10 रुपए दो ना। भैया चल बक। ऐसे तो उसे भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। पता नहीं कब से भूखा होगा, इसलिए मैंने पैसे दे दिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक्सलेंट। मुझे फोन करके सबको बताना होगा। मुझे पोस्टर्स, आपके तारीफ वाले पोस्टर्स चिपकाने होंगे हर दीवार पर। स्टॉप इट, इट्स ओवर, आई हेट ऑल दिस। काव्या, अगर फिर से कॉल्स आए ना तो स्ट्रिक्ट है वो, कोई स्कूल की हेडमास्टर है क्या? सही है भाई। अरे लड़की है ना जी, कोई तो लड़की एक हफ्ते में पढ़ती है, कोई एक महीने में पढ़ जाती है, और किसी किसी को तो एक साल लग जाता है। लेकिन फाइनली कोई भी लड़की हो, लड़के से पढ़ती जरूर है। यही तो कुदरत का खेल है। ओए, आज उसे कितनी बार कॉल किया? पूरा दिन कॉल करता रहा, स्विच ऑफ आ रहा था। तो बताओ मैं क्या करता? स्विच ऑफ था, ये अपना फोन ऑफ क्यों रखती है? क्या करूं, कोई नया प्लान बनाना होगा। कोई प्लान ही नहीं आ रहा दिमाग में। ये सही रहेगा। बहुत ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी शर्ट वापस कर दी, तो बोलो यही कहने आए हो ना? मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? आपका दुपट्टा गिर गया था, उसे देने आया हूँ। किसने कहा ये मेरा दुपट्टा है? इस अपार्टमेंट में इतना अच्छा कलर यूज करने का टेस्ट आपका ही हो सकता है। ये लीजिए, इस पे मेरा नाम लिखा है, फ्लैट नंबर लिखा है। मेरा नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी।
अब क्या हुआ? ये दुपट्टा आपका नहीं है ना? तो क्या ये ड्रेस भी आपका नहीं है? नहीं, ये मेरा नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हेलो स्टूपिड। हेलो, मैंने आपकी शर्ट लौटाई थी, आप मेरी ड्रेस नहीं लौटाएंगे? काव्या, बरिस्ता में आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे काम है। बरिस्ता में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। लड़कियों के पास टाइम क्यों नहीं होता? हेलो ब्रदर। बुला तो लिया, बात क्यों नहीं कर रहे? कॉफी? नो थैंक्स, क्या कहना है कहो। आई लव यू। व्हाट? यस आई लव यू। आर यू क्रेजी? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अभी मेरे बारे में जानते ही कितना हो तुम। प्यार में जानने की जरूरत थोड़ी होती है, एक दूसरे पर भरोसा ही काफी होता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर भरोसा करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो ले लो ना, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, लेकिन हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं। कौन सी डेट फिक्स करें? वैलेंटाइंस डे तो चला गया, मेरा बर्थडे भी परसों ही था। तुम्हारा बर्थडे कब है? अप्रैल 28। क्या तुम्हारा बर्थडे परसों है? मतलब 48 घंटे के अंदर मेरे प्यार का रिजल्ट आने वाला है। ओके, परसों मिलते हैं, बाय। Hey, wait.
प्यार है, तू ही मेरा 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 सच्चा प्यार है, तू ही है सपना 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 मेरी आँखों का आँखों का आँखों का। क्यों बेटा, कैसे हो तुम? क्या चल रहा है वहाँ? सब ठीक है ना? हाँ बुआ जी, यहाँ सब ठीक है। वैसे तुम्हारी जॉब सर्च कैसे चल रही है? परसों ही फाइनल इंटरव्यू है, इस बार तो मैं सेटल हो जाऊंगा। सच में? सुपर, मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। जॉब मिलते ही कॉल करना, भूलना मत। गुड लक। थैंक्स बुआ जी, कॉल करूंगा। श्री मुझे कॉल करके विश करेगा या नहीं? सर, हाँ? मैंने शराब बंद कर दिया, मैं नहीं पीता। देखो राम बाबू, आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, और अगर तूने आज नहीं पी तो मेरे दिल में जितने क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर्स देने पड़ेंगे, सोच ले। अरे इतने ऑफर किस लिए सर डालिए? इसके साथ दोस्ती करके तू फंस गया राम बाबू। बिना किसी कारण के भी दुनिया के सारे बेवकूफों से कॉल करवाता है। आज मेरा बर्थडे है ये जानकर भी मुझे फोन नहीं किया, और कहता है प्यार करता हूँ। इडियट, फोन करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। मैं बेवजह इतना क्यों सोच रही हूँ, उसे मैसेज ही कर देती हूँ। आप मानो सर, कॉल गर्ल को खाली करवा कर ड्रीम गर्ल को लाइन में लगा दिया। लाइन में नहीं लगाया, दिल में रखा है उसे। सोचा था मैं लड़की पटा के सेटल हो जाऊंगा, लेकिन जब से मैं काव्या से मिला हूँ ना, तो लगता है गांव में जाकर खेती भी करूँ तो भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी काट सकता हूँ। वाह 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 वाह, आप तो डायलॉग बाजी भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं सर। सच कहूँ आपको देखकर सिद्ध नारायण नागेश्वर स्वामी जी की याद आ रही है मुझे। तो पैर छू मेरे, तुझे शराब के नशे से छुटकारा मिल जाए। हेलो श्री, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ काव्या, क्या बात है? कुछ नहीं, हमारी बिल्डिंग के पास जो मंदिर है ना, वहाँ आ सकते हो? तुमसे कुछ बात करनी है। 10 मिनट में आ जाऊंगा, वेट करो, ठीक है? ओके, वेट करती हूँ। बाय बाय।
साहब को टाइम मिल गया मुझसे मिलने का? मेरे साथ चलो, अर्जेंट। नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मेरे साथ चलो ना। जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ? लड़ाई मुझसे बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे चलो तो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये कल करना चाहिए था? एक बात बताओ, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रही थी ना? मतलब 24 घंटे है ना, एक इंसान के बारे में इतना सोचने का मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया होगा। अब मुझे बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? I love you. ऐसी आवाज कैसी? आगे से कोई गलती नहीं होगी। इंसान जब एक बार गलती कर देता है तो उसका बार बार गलती करने का मन करता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट दिया है। ए, जब कभी भी गलती करने का मन करे तो मुझे याद कर लेना, मार डालो। हाय अंकल, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? ऐसे ही, किसी भी काम में कमिटमेंट होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। सत्या इसलिए उसे ट्रीटमेंट दे रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस काव्या, मजबूरी में यहां रखना पड़ा इन्हें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एनीवेज हाउ आर यू अंकल? कॉफी? नहीं नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। तुम अभी बाहर चली जाओ, मैं फोन करूंगा तब आ जाना, ठीक है? तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर हो क्या रहा है? चलो बताती हूँ। इंसान डर से काबू में रहता है, मारने से नहीं। मैं जानता हूं। What's happening? तुम्हारे फ्लैट में वो हो क्या रहा था? वो बंदा है कौन? तुम्हारा क्या वास्ता है उससे? उसका नाम सत्या है। मेरे माँ बाप को मारकर मुझे अनाथ बना दिया उसने। क्या? मतलब उसने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया? हाँ। पर क्यों? मुझे पाने के लिए। वाओ वाओ, तुम्हारे माँ बाप की स्वागरात का मुहूर्त निकालने वाले पंडित को स्पेशल थैंक्स बोलना पड़ेगा। क्या है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें देखकर भी कोई पागल न हो ऐसा हो सकता है क्या? चप्पल से मारूंगी। प्यार करने वाले से चप्पल मारने की बात करना बदतमीजी कहलाता है। लव मी। भाई लागू ससुर जी, जब मेरे मम्मी पापा ने शादी के लिए मना किया तो उसने उन्हें मार दिया। माँ।
जब माँ बाप प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रेमी आत्महत्या करते हैं। लेकिन अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया। उनके लिए रो क्यों रही हो? यू शुड फील हैप्पी। सिर्फ 5 मिनट में तुमने मुझे इस दुनिया में अकेला कर दिया। तुम्हें अकेला इसलिए किया है ताकि तुम मेरे बारे में सोचो, तभी तुम उससे प्यार करोगी। ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार मौत से प्यार कर लूंगी पर तुमसे कभी नहीं। मुझे ही मौत समझकर प्यार करो, तब और भी अच्छा लगेगा। फील माई लव, फील माई लव। तुम अपने माँ बाप के कातिल के साथ रहती हो फिर तो तुम बड़ी हिम्मत वाली हो। मौका और उम्मीद इंसान को हिम्मत दे ही देती है। मौका, उम्मीद। मेरे मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने उससे डरकर मुझे एक कॉल तक नहीं किया। यहाँ से भागी भी थी पर पकड़ी गई। आत्महत्या करने की सोच ही रही थी कि तुम मिल गए। प्यार हो गया, सब कुछ बस अचानक से हो गया। वो सत्या बहुत ही डेंजरस इंसान है। अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो वो मेरे मम्मी पापा की तरह तुम्हें भी मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। यहाँ से कहीं भाग चलते हैं श्री। भागना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। भागने के बाद भी अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो फिर सोचो क्या होगा। अगर उसे ये पता लगा कि हम भागे हैं तो फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा हमें ढूंढने के लिए। इस तरह भागना बेवकूफी होगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा इससे बचने के लिए। पर वो रास्ता होगा क्या? हाँ, तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया, वहाँ वो शोर कैसा था? किसी ने सत्या को धोखा देकर 5 करोड़ हड़प लिए थे। उन्हीं पैसों को रिकवर करने के लिए उसे मार रहे थे। मतलब वो 5 करोड़ रुपए तुम्हारे फ्लैट में ही रखे हैं, राइट? हाँ है। सुपर बेबी, अब तो भागना ही पड़ेगा। कैसे? तुम सत्या के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ, फिर बताता हूँ कैसे। सत्या माफिया डॉन केपी का राइट हैंड है। लेकिन केपी के बेटे छोटू और सत्या की बिल्कुल नहीं बनती। वो सत्या का आदमी है। हमारे लिए काम करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला एक ही शख्स है और वो है सत्या। उससे तुम्हारा झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है बेटा। मतलब अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्या है? राम केपी का लीगल एडवाइजर। इसकी बात मानो कोर्ट का ऑर्डर हो। सर क्या हो गया? केस हमारे फेवर में नहीं है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। केपी उसकी कोई बात नहीं डालता। तो जो पैसा तुम्हारे फ्लैट में है वो सत्या का है या फिर केपी का? केपी का है। Are you sure? पक्का, I'm sure about it. ठीक है, तो आगे की कहानी क्या है? सत्या और छोटू की नहीं बनती, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करवाने केपी आ रहा है। ओके, मीटिंग कहाँ है? केपी जब भी आता है सेफ्टी के लिए मीटिंग मेरे फ्लैट में ही होती है। ओहो, ठीक है। अब ये बताओ सत्या के वीक पॉइंट्स क्या हैं? बहुत ड्रिंक करता है, लेकिन स्मोक से एलर्जी है। ऐसा क्यों? उसे अस्थमा है, इनहेलर के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बस बस, बहुत बता दिया, आगे मैं संभाल लूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से सुनो। वो उन पैसों की टेंशन में रहेंगे और उसका फायदा उठा के हम निकल देंगे। ओए राम बाबू, तुम रात में कहीं मत जाना, मुझे अर्जेंट काम है। मुझे शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे। क्या बोला? तेरी शादी? किस्मत फूटी लड़की। सर कुछ पैसा भेजो ना। हेलो 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 सर, हमेशा पैसे ही मांगता रहता है।
मेडिकल शॉप है, लेकर आऊं? फास्टर गेट इट। We'll be right back.
ले आई। थैंक यू। छोटू अकेला आया था, केपी सर नहीं आए। क्या छोटू आया था? हाँ, पार्किंग में देखा था। फ्लाइट के आने में तो अभी वक्त है। पता नहीं, लेकिन रेड बैग लेकर कार में जा रहा था। रेड बैग लेकर कार में जा रहा था? हाँ, मैंने देखा, रेड बैग था। रेड बैग? हाँ। प्रॉब्लम? चीप ट्रिक, पैसे चुरा कर मुझे केपी की नजरों में गिराना चाहता है वो। मतलब वो तुम्हें फंसाना चाहता है? वो मुझे क्या फंसाएगा? फंसाऊंगा तो मैं उसे। उसे लगता है कि पैसे चुराने से मैं डर कर भाग जाऊंगा, लेकिन सत्य डरना नहीं डराना जानता है। हेलो बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है श्री। क्यों, क्या हुआ? सोचा था पैसे ना मिलने पर ये डर कर भाग जाएगा, लेकिन ये तो छोटू को डरा कर पैसे निकलवाने की बात कर रहा है। डोंट वरी, जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा। तुम चिंता मत करो, बी हैप्पी, ओके? ओके। ओके गाइस, चीयर्स, बॉटम्स अप। व्हाट्सअप सत्या? नथिंग ग्रेट एज यूजुअल। विमान को रिकवर किया है, 5 करोड़ मिले हैं। 5 करोड़ हैं या 5 करोड़ से ज्यादा हैं? वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। कोड क्या है? कोड की तुम्हें क्या जरूरत? बिना कोड के बैग कैसे ओपन होगा? तुमसे हो जाएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? छोटे, ही इज राइट। कोड के बिना बैग कैसे ओपन होगा? एक एक एक। शिट, टैग चीटिंग। सत्या, क्या ये? व्हाट इज दिस? अपने बेटे से पूछो। मेरा बेटा जल्दबाजी करता है पर चोरी नहीं कर सकता।
बाप को बेटे में बुराई नहीं दिखती, लेकिन दुनिया वो देखती है जो सच है। क्या सच? कैसा सच? काम तभी शुरू करो जब अंजाम तक पहुंचा सको। मारोगे? हमें मारोगे? गली के आवारा कुत्ते में हमें मारने की हिम्मत आ गई है? चल मार, मार कर सीधा बच जाएगा तू, मारना। तेरे बारे में मुझे पहले से पता था, तुझ पर मेरे पापा ब्लाइंड फेथ करते थे, वरना मैं तुझे कब का मार देता। चल मार, मारना, हिम्मत है तो मार, मार। नहीं किया था ना, मैं वही करता हूं जो कोई सोच नहीं पाता। हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ पहुंच जाऊंगा। कहां लेकर जा रहा है ये? ये मोहन फोन क्यों कर रहा है? कहीं फ्लैट पे तो नहीं पहुंच गया? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मोहन आ जाएगा। We have to clean this mess. No, no, I can't. It's all yours. हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? बॉस आ गए हैं क्या? मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। पर उन्हें निकले तो देर हो चुकी है, अब तक तो पहुँच जाने चाहिए थे। हो सकता है कि बॉस की कहीं और मीटिंग हो। तुम्हारे अलावा वो आज किसी और से नहीं मिलने वाले थे। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर आपकी उनसे बात हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। हेलो काव्या, ये गन चलने की आवाज कैसी थी? वो तुम्हें कहाँ लेकर गया था? जैसा हमने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पैसों के लिए सत्या ने केपी और उसके बेटे छोटू दोनों को मार दिया, और अब वो पैसे ढूंढ रहा है श्री। अभी वो मुझे छोटू के घर भी ले गया था। तो फिर
अब हम क्या करें? मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो। तुम कहो तो कोई बहाना बनाकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ और वो पैसे लेकर कहीं भाग चलते हैं। श्री फोन दो। काव्या तुमने फोन क्यों काट दिया? कौन है बे तू? किसके साथ मिलकर तूने ये प्लान बनाया है? कौन है वो? काव्या कौन है ये तेरा प्यार? हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो तुम भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती थी? सीता ने रावण से प्यार किया था, ऐसा कभी सुना है क्या तुमने? क्या रे, तू बोलेगा? अब मेरी बात सुनो भाई, अगर लड़की को पटाना है ना तो सब प्लान करना पड़ता है। फोन दिलाओ, रिचार्ज कराओ, फिल्में दिखाओ, सरप्राइज दो। अरे भाई साहब, लड़की पटाने के लिए ना बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं। इतना करने के बाद भी लड़की प्यार करेगी कि नहीं करेगी कोई गारंटी नहीं है। आपको तो देखकर लगता है कि ये सब आपसे ना हो पाएगा। भाई एक काम करो, मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। ए, बता पैसा कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता। तो इसे पता होगा। ए, बता पैसा कहाँ है? ये बता हमें कितना मिलेगा? आज किस्मत तेरे साथ है, पर पहले ये बता कि पैसा कहाँ है। हमारा शेयर कितना होगा? पैसा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। भाई एक छोटा सा डाउट है। क्या डाउट है? आप तो प्यार करते ना इससे। मेरे लिए प्यार से ज्यादा पैसा है। अब मेरे लिए ये बेकार है। तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? अरे अगर मैंने झूठ बोला हो तो? ये टॉर्चर कब तक चलेगा? शिट, शायद मोहन आ गया है। वो हमेशा वक्त पे ही आता है। देखो मोहन के आने तक तुम चुप रहोगी। पैसे दूंगा 50-50 और इसे छोड़ दूंगा। बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके। आइए। क्या हुआ, डोर खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? बालकनी में था इसलिए देर हो गई। काव्या कहाँ है? बाथरूम में है। बॉस के बारे में कुछ पता चला? बहुत बार कोशिश की थी, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। छोटू का फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं डेविड गैंग ने तो नहीं कुछ कर दिया? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन रहती है ना। इसी बात की तो टेंशन है। वैसे मुझे बिना बताए वो कहीं जाते नहीं है। केपी का फोन है, उठाओ ना। हेलो बॉस। ए, तुम मोहन के साथ चले जाओ, हम लोग पैसा लेकर चले जाएंगे। अगर ज्यादा नाटक किया ना तो बाहर आकर मोहन को सब कुछ बता दूंगी। व्हाट? कहाँ? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ओके ओके ठीक है। भाई यहीं है, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? एयरपोर्ट से लौटते समय डेविड गैंग ने अटैक कर दिया। मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। अंकल,
ड्राइवर कार घुमाओ। मार दोगी? मुझे मारोगी? मौत को मारना मुश्किल है। मारो। नो। मारो। हुआ बेटी, वो कहाँ है? जैसे उसे पता चला आप आ रहे हैं, वो यहाँ से भाग गया। अंकल, ठीक है, उसे तो मैं देख लूंगा, पर तुम यहाँ से चली जाओ। ओके अंकल। और हाँ काव्या, हाँ? अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। ओके अंकल, थैंक यू। डेड बॉडी का क्या करें? बताता हूँ।